Hey everyone, I am Purvi Jain. I am a dance mentor at GIS. Through these videos, I will be teaching you the movements, expressions and significance of Indian classical dance form, that is Kathak. कथक डांस ताल पर बेस्ड होता है, जिसमें तीन ताल सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है। तीन ताल को राजा ताल भी कहा जाता है। तीन ताल में 16 मात्राएं होती है। 16 मात्राएं चार पार्ट में डिवाइड कर दी जाती है, जिसे कहा जाता है विभाग। हर एक विभाग में चार मात्राएं होती है, जिसे हाथों के द्वारा दर्शाया जाता है। जब हम ताली मारते हैं जिसमें शब्द निकलता है, उसे सरशब्द कहा जाता है, यानी खाली कहा जाता है। और जहाँ पे हम खाली छोड़ते हैं, जहाँ पे आवाज़ नहीं होती, उसे निशब्द कहा जाता है। इसे इस तरीके से दिखाया जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। ये जो मैंने लास्ट मात्रा मारी है 1, इसे कहा जाता है सम। सम ताल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम कोई भी ताल में सारी मात्राएं बोलकर जब हम सम पर आते हैं, यानी पहली मात्रा पे आते हैं, वहां से हम वापस से शुरुआत करते हैं। जिस तरह अभी हमने हाथों पर ताल को समझाया है, उसी तरह हम पैर पे भी ताल को दिखाते हैं, जिसे कहा जाता है तत्काल। तत्काल यानी फुटवर्क्स। पैरों पे ध्यान दीजिए, इसे इस तरह से करा जाता है। हमेशा जब भी हम तत्काल शुरू करेंगे, राइट लेग से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। अभी आपने देखा, मैंने 16 जो हमारे 16 काउंट्स थे, उसे हाथों पे भी बताया, पैरों पे भी बताया। हम इसकी लय बढ़ा भी सकते हैं। हम जिस लय में इसको प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे पैरों का वजन बढ़ेगा। जैसे अभी हमने 1, 2, 3 बोल के, जैसे हमने 16 मात्राएं बताई है, इसके वर्ड्स होते हैं। हर एक ताल के अलग अलग शब्द होते हैं। तीन ताल के जो बोल हैं वो इस प्रकार हैं। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। इसी तरह हम पैरों पे भी दिखाते हैं। आप ध्यान दीजिए, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। अब हम सीखते हैं हस्तक। हस्तक यानी हैंड मूवमेंट्स। हैंड मूवमेंट्स स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं उत्पत्ति मुद्रा। अब उत्पत्ति मुद्रा कैसे बनती है? अपने दोनों हाथों से थंब और इंडेक्स फिंगर को ऐसे जॉइंट करना है और उन्हें सामने रखना है, पॉइंटेड करेंगे, जो एक दूसरे को पॉइंट करिए। फिंगर्स आपके हाथ यहाँ से पूरे राउंड शेप में दिखेंगे, शोल्डर लेवल पे, ना ज़्यादा ऊपर, ना ज़्यादा नीचे, ना ज़्यादा दूर, ना ज़्यादा पास, चेस्ट के सामने। अब इस मुद्रा में आप कहीं भी हाथ लेकर जाएंगे, आपको वापस इसी मुद्रा में आना है। ये आपकी होम मुद्रा होती है, मतलब जहाँ भी हाथ लेकर जाएंगे, आपको वापस घर पर आना है। हमारा फर्स्ट जो हस्तक है वो इस प्रकार है। 1, 2, 3, 4, 5,
सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। हम जो भी हस्तक करेंगे उन्हें 16 काउंट्स में ही करेंगे क्योंकि हम इसे ताल बेस्ड पे करेंगे। हम लास्ट में काउंटिंग और तत्कार और हस्तक को ज्वाइन करके आपको दिखाएंगे कि कैसे होगा वो। हमारे फर्स्ट हस्तक आप फिर से देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। हमारा सेकेंड हस्तक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। हमारा थर्ड हस्तक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। थर्ड हस्तक में हाथ पूरा राउंड होकर पीछे जाएगा, पूरा ऊपर से आपकी उत्पत्ति मुद्रा में आएगा। फिर से देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। आपका नेक्स्ट फोर्थ हस्तक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। आपका लास्ट हस्तक है फिफ्थ हस्तक, कान के पास से जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। हाथ पूरा राउंड घुमाकर उत्पत्ति मुद्रा में लाना है, अगेन लेफ्ट साइड राउंड एंड उत्पत्ति मुद्रा। सारे हस्तक राइट से स्टार्ट होंगे, तत्कार राइट से स्टार्ट होंगे। अभी हमने तत्कार और हस्तक को अलग अलग करके देखा है, अब मैं इन दोनों को साथ में कैसे करना है वो आपको एक बार दिखा देती हूँ। घर पे आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। भा दिन दिन भा तिन तिन ता तिन दो तीन चार ता तेरा चौदह पंद्रह सोलह पाँच छः सात तेरह चौदह पंद्रह सोलह छः सात तेरह चौदह